हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आपका भाई बहुत ही आपके लिए मज़ेदार वीडियो लेके आए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे अगर आप 11th क्लास में हैं यानी कि 12th क्लास में हैं या फिर आप BSc फर्स्ट ईयर में, तो दोस्तों आप 5000 रुपये पर मंथ ले सकते हैं स्कॉलरशिप, और उसके अलावा 20,000 रुपये फेलोशिप पर एनम भी आपको मिलेगी। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को हम जानेंगे कि क्या है, कैसे है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से हम स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो दोस्तों ए टू जेड बात इस वीडियो में पता चलेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल बीच में मत छोड़िएगा। उसके अलावा दोस्तों आपसे एक और बात करनी थी, आपके मन में स्टडी से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्टडी रिलेटेड कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आयुष सेरेना, जो कि चैनल का नाम है, आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कन्फ्यूजन, आप सभी पूछ सकते हैं। आपको एकदम अच्छे सारी चीज़ें की रिप्लाई मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है स्कॉलरशिप पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि है क्या, तो इसका नाम है KVPY यानी कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जो हर साल कंडक्ट की जाती है, और अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 5000 रुपये पर मंथ और 20000 रुपये पर एनम भी मिलेगा। और आपको यहीं तक नहीं, आपको पीजी तक मिलेगा, पीजी में तो आपको 7000 और 28000 पर मंथ मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही दोस्तों बेसिकली इसमें कौन कौन से क्लास के, अगर आप 11th में है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 12th में है तब अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप BSc फर्स्ट ईयर में तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बात जो आपको बहुत ही ध्यान देनी है कि ये जो स्कॉलरशिप है बेसिकली साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है कि वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, तो ये बेसिकली रिसर्च के फील्ड में लोगों को जागरूक करने के लिए, उनका इनकरेज करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपके लिए बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगर आप साइंस स्ट्रीम के नहीं हैं तो आप इस वीडियो को लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नॉलेज के लिए जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर दे सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, नहीं तो आप कहेंगे कि बताओ यार साइंस स्ट्रीम के लिए थी, आर्ट्स कॉमर्स के लिए थी नहीं, तो तुमने बताया क्यों नहीं। तो दोस्तों आप लोग से बहुत डर लगता है, बस आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का गुस्सा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा, आप देख भी सकते हैं और अगर आप चाहें छोड़ना तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हाँ साथ मत छोड़ना, वीडियो अभी यहां तक छोड़ सकते हो। चल दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि 11th क्लास, 12th क्लास और BSc फर्स्ट ईयर में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं 11th क्लास। दोस्तों जो 11th क्लास है वो SA कैटेगरी में आती है, जो 12th क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो SX कैटेगरी में आते हैं, और जो BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो SB कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहले जानते हैं SA कैटेगरी क्या है, यानी कि 11th क्लास स्टूडेंट को लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप 11th क्लास में और आप चाहते हैं अप्लाई करना, तो आपकी कम से कम जो 10th में आपने एग्जाम दिया है उसमें साइंस और मैथ के मार्क्स जो मिला के वो आपके 75% होने चाहिए। 75% यानी कि आपके 100 मार्क्स के पेपर हैं तो उसमें 75 नंबर होने चाहिए, 75%, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप SC कैटेगरी से हैं या फिर ST कैटेगरी से हैं या फिर आपको फिजिकल PWD यानी फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप 65% पे भी एलिजिबल हैं। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है जो कि नॉर्मल है सारे लोगों के, वो इंडियन के सिटीजनशिप होनी चाहिए, और जो तीसरी पॉइंट है ये सारे में लागू होगी, जो इंडिया की सिटीजनशिप। और एक और जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको दोस्तों डिस्टेंस कोर्स में आप एलिजिबल नहीं है, आपको रेगुलर होना चाहिए। तो ये जो दो पॉइंट है, इंडिया की सिटीजनशिप और जो डिस्टेंस कोर्स, ये मतलब तीनों में, चाहे 11th में, 12th में या फिर BSc फर्स्ट में, उसके अगर वैसे कोई स्टूडेंट है तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों ये तो होगी SA कैटेगरी यानी कि 11th में। अब बात आती है SX कैटेगरी यानी कि 12th क्लास के स्टूडेंट को क्या करना होगा। गाइज अगर आप 12th क्लास में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको भी 10th में जो साइंस है और मैथ है उसमें 75% होने चाहिए, और SC ST और PWD के लिए 65% कम से कम होने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अगर आप 12th में दे दिए और अगर आप चाहते हैं कि आपने 12th में क्वालिफाई कर ले, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, और जब अगर आप जाते हैं फर्स्ट ईयर में जाते हैं यानी कि जब आप कॉलेज में जाते हैं, तो आपका जो 12th में जो मार्क्स है वो 60% होने ही चाहिए, और जो SC ST या फिर PWD है उनके लिए 50%। अगर आपका 60% से कम आता है तो आपको ग्रेजुएशन में फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, और 60% से कम है तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने 12th में आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आपको 60% कम से कम 12th में लाना ही। अब हम बात करते हैं SB कैटेगरी यानी कि जो लोग फर्स्ट ईयर में, उनके लिए कर, तो दोस्तों उनका भी
12 के साइंस और मैथ में 60% होने चाहिए, और अगर कोई एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी है तो उनके लिए 50%। और इतना ही नहीं, अगर आपका क्वालिफाई हो गया, आप स्कॉलरशिप पा रहे फर्स्ट ईयर में, तो आपको फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में भी आपको 60% लाने ही हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी के लिए 50%, तो आपको फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में भी 60% लाने। अगर आपको उससे कम आता है तो फिर आप नॉन एलिजिबल हो जाएंगे, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ होगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, किस कैटेगरी के लिए क्या क्या जरूरी है, तो ये बात तो होगी एलिजिबिलिटी की। अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्म कब आता है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन पैटर्न क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म आती कब है, हम कब अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस जो फॉर्म है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आती है, अभी जुलाई आने में कुछ दिन टाइम है, लेकिन मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ क्योंकि आपको उस एग्जाम के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रही हो, तो आप उसको उसके लिए कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए। क्या जरूरत है कि एकदम आप जुलाई में ही आने के बाद मैं उसमें आपको एक बार फिर से अपडेट कर दूंगा कि हाँ भाई देखो KBPY की फॉर्म आ गई है, आप लोग एकदम अच्छे से फॉर्म फिलअप कर दो। मेरा काम है उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो जब भी फॉर्म आएगा मैं उसको आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, या तो वीडियो बना के या फिर किसी तरह से कम्युनिटी टैब में या फिर इंस्टाग्राम पर बता दूंगा। इसलिए दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लो जरूर से। तो दोस्तों बात तो होगी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में फॉर्म आती है, और जो एग्ज़ाम होगा आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। और गाइस जो एग्ज़ाम होते हैं वो दो स्टेप में होता है। जो पहला स्टेप होता है वो MCQ होता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें चार आपको ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको एक जो सही होता है उसको मार्क करना होता है। उसके अलावा जो अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होता है। तो दोनों स्टेप आपको क्लियर करना है तभी आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। उसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आप बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में आएगा। तो गाइज क्वेश्चन हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में आएगा, मतलब एक ही क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है तो ऊपर इंग्लिश में लिखा रहेगा, नीचे हिंदी में लिखा रहेगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। अब फाइनली बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। तो देखो यार सिलेबस इसका कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है, मैंने बहुत जगह खोजा, मुझे कहीं भी इसका सिलेबस नहीं दिखा कि हाँ ये सिलेबस आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। देखिए अगर आप 11th में हैं तो जाहिर सी बात भाई, आप अगर 11th में है तो आपसे 12th की चीज़ तो पूछेगा नहीं। तो 11th में है तो आपको करना क्या है कि आपको हाई स्कूल तक सारे मैथ्स और साइंस के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सबको एकदम अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लेना, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप 12th में हैं तो आपको हाई स्कूल तक तो तैयार करना है, लेकिन आपको जो 11th के कॉन्सेप्ट है उसे भी क्लियर कर लेना है। और अगर आप BSc फर्स्ट ईयर में हैं तो दोस्तों आपको 12th तक, यानी कि हाई स्कूल 12th, और उसके बाद अगर BSc फर्स्ट ईयर के भी कुछ कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। तो ये चीज़ और इतना ही आएगा, ये तो कोई भी बता देगा, मैंने कोई बहुत रॉकेट साइंस तो बता नहीं दी, तो ये नॉर्मल चीज़ है। अब जिस है उससे पहले ही कहीं तो आएगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि क्वेश्चन का जो लेवल हो वो थोड़ा अच्छा खासा हो, क्योंकि आपको हर मंथ इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है और उसके अलावा फेलोशिप भी मिल रही है जो कि 20,000 और 28,000 है। तो दोस्तों ये कम तो नहीं है, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। उसके अलावा कुछ भी पूछने तो पूछिए, मुझे लगेगा कि अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना सकता हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा जब भी फॉर्म आएगा तो उसकी जो भी डिटेल्स होगी, क्या है, कैसे है, A to Z जुलाई में आपको जब भी फॉर्म आएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन लेना, आपको बस करना ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, और हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतने, अब आपको कुछ करना है। अब देखो आपको करना क्या है, आपको करना है इसको वीडियो को लाइक करना है, आपको कमेंट में करके बताना है कि आपकी वीडियो कैसा लगा, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, कमेंट में भी रिप्लाई मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके बगल जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर जो भी वीडियोज लाएँ, अच्छी अच्छी वीडियोज कोशिश तो करता हूँ लाएँ, और आप लोग पसंद करते तो और भी अच्छा लगता है, तो आपको वो वीडियो सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त, आपके भाई, आपके फैमिली में जो भी है उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच जाए। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।